OSPF. OSPF stand for open, shortest path first. It is an link state routing protocol. It is a link state routing protocol. Link state routing protocol से क्या समझते हो आप? एक तो इसके पास में पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होगी, पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी की. लाइक फॉर एग्जांपल, ये मेरा राउटर है, इन सब पे मैंने क्या करा, क्या रन किया हुआ है, OSPF रन किया हुआ है, सब पे OSPF रन किया हुआ है. ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है और ये R5 है. सब पे OSPF रन करा हुआ है. तो इस राउटर के पास में इंफॉर्मेशन ये रहेगी कि मेरे साथ में दो नेबर कनेक्टेड है इस इंटरफेस से. एक नेबर है R2 और यहाँ पे एक नेबर है R4. और जो मैं इस राउटर की इंफॉर्मेशन की बात करूँ, इस राउटर का जो डेटाबेस होगा, इसको जो इन्फॉर्मेशन होगी, इसके डेटाबेस में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी पूरी टोपोलॉजी की. इसको ये भी पता होगा R2 किस से कनेक्टेड है R3 से, R4 आपका R5 से, और जो R3 है वो R5 से. यहाँ पे कौन से लिंक यूज हो रहे हैं, मतलब कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन होगी पूरी टोपोलॉजी की. कौन सा लिंक यूज हो रहा है, स्पीड क्या है, बैंडविड्थ क्या है उसके ऊपर, ठीक है. तो ये पूरी इंफॉर्मेशन होती है एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल को. तो मेरा OSPF क्या है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल. और डिस्टेंस वेक्टर वाले को पता था ये चीजें, नहीं पता थी ना, बताया था मैंने आपको. तो ये आपका एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसको पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होगी. और जब भी अपडेट कब सेंड करेगा ये, जब भी कोई इंटरफेस डाउन या अप आएगा, जब भी टोपोलॉजी में कोई चेंजेस आएगा, तभी क्या होगा, वो राउटर अपडेट सेंड करता है, अदरवाइज कोई भी अपडेट सेंड नहीं होगा. तो ये आपका एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है. इट इज एन IGP प्रोटोकॉल. IGP प्रोटोकॉल से क्या समझते हो, जो कि सेम ऑटोनोमस सिस्टम में काम करता है, ठीक है, ओके. इसके अलावा इसकी मैट्रिक क्या होती है, इसकी मैट्रिक होती है, मैट्रिक यूज करता है कॉस्ट, ठीक है. तो कौन से पाथ को ये बेस्ट पाथ बनाएगा, जिसमें लोअर मैट्रिक मिलेगी, कॉस्ट जो क्या मिलेगी, लोअर मिलेगी. और कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करता है, ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा, हंड्रेड डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ. और ये क्या है, मेरी रेफरेंस बैंडविड्थ है, ये फॉर्मूला यूज होगा यहां पे. और जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकलेगी, कॉस्ट आ जाएगी. मतलब एक नेबर है, ये दो नेबर है, तो 100 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, तो इन दोनों के बीच की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है. सेम यहां पे ये भी क्या कर लेगा, इसकी भी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेगा. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नेटवर्क है, इसको यहाँ से भी रिसीव हो रहा है, उसको यहाँ से भी रिसीव हो रहा है, तो इन दोनों की ये कॉस्ट कैलकुलेट कर लेगा. कॉस्ट आ गई, ये जब भी इसको अपडेट देगा तो अपनी कॉस्ट लगा के भेजेगा, और ये इन दोनों के बीच की कॉस्ट क्या कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा. तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, यहाँ पे कितनी मिली है, और यहाँ से भी इसको कॉस्ट मिल जाएगी. तो जो भी कॉस्ट मिनिमम होगी उसको वो क्या कर लेगा, मैट्रिक जो मिनिमम होगी उसको अपनी राउटिंग टेबल में स्टोर कर लेगा, ठीक है. उसके अलावा और क्या पढ़ा था हमने EIGRP में, मैट्रिक कॉस्ट यूज करेगा ये. उसके अलावा
मैक्सिमम पाथ बाय डिफॉल्ट 4, और मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हो, 16 to 32. कोई आईएएस में 60 मिलेगा, कोई आईएएस में आपको मैक्सिमम 32 आप वेरी कर सकते हो उसमें. उसके अलावा हॉप काउंट यहां पे क्या होंगे, अनलिमिटेड, क्योंकि देखो इसमें मैंने बताया था लिंक स्टेट कभी भी हॉप काउंट लगा के नहीं भेजता. लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है तो हॉप काउंट लगा के नहीं भेजते ना, सिर्फ कौन भेजते हैं, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल भेजते हैं. तो अब मेरे पास में यहाँ पे एक राउट है, मैंने अपना राउट, मैंने अपना प्रीफिक्स बताया इस राउटर को, तो क्या होगा, मैं उसमें हॉप काउंट लगा के नहीं भेजूंगा, तो ये आगे भेज देगा. वो भी कोई हॉप काउंट समझता ही नहीं है कुछ, कोई हॉप काउंट नहीं है वहां पे, वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, वो भी एक्सेप्ट कर लेगा. मतलब ये अपडेट आपका कहां तक जाएगा, अनलिमिटेड राउटर्स के पास में चला जाएगा आपका ये अपडेट. नहीं, ये राउटर के बिहाफ पे इसकी मैट्रिक है, कॉस्ट है, ये कॉस्ट के बिहाफ पे ही फॉरवर्ड करेगा. ठीक है, और कॉस्ट आ गई, हॉप काउंट आ गया, अनलिमिटेड टाइमर बताऊंगा. इसमें एक हेलो टाइमर होता है 10 सेकंड होता है, और एक डेड इंटरवल होता है. एक हेलो इंटरवल होता है और एक डेड इंटरवल होता है. डेड होता है 40 सेकंड. ठीक है, इसके अलावा क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल होता है आपका, ये पता है ना क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल कौन से होते हैं. इट विल सपोर्ट, इट सपोर्ट VLSM. एंड डिसकॉन्टिजियस नेटवर्क, डिसकॉन्टिजियस नेटवर्क को सपोर्ट करेगा. और ऑटो समरी इज डिसेबल्ड. इसमें ऑटो समरी बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी, बाकी दोनों प्रोटोकॉल में क्या थी, इनेबल थी, हमें डिसेबल करनी पड़ती थी ना, इसमें बाय डिफॉल्ट ही क्या रहेगी वो. क्लियर है, और कुछ रह गया हो इसमें. हाँ, इसमें जो एड्रेस जो होते हैं, मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है ये, कोई भी अपडेट जब सेंड करेगा वो मल्टीकास्ट एड्रेस पे सेंड करेगा, तो इसमें मल्टीकास्ट एड्रेस जो यूज करता है ये, ये दो एड्रेस यूज करता है. हम लोग डिस्कस करेंगे 5 काम पे यूज होता है और 6 काम पे यूज होता है. और ओके, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू जो होती है एडी वैल्यू बोल सकते हो आप, 110 होती है. और ये चीजें होती हैं, क्लियर है सबको पता है ना एडी वैल्यू क्या होती है. ये जब भी कोई अपडेट या हेलो मैसेज सेंड करेगा इन दो एड्रेस में ही सेंड करेगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कहां पे क्या यूज होता है. ठीक है, और ये सारी चीजें पता है, डिसकॉन्टिजियस नेटवर्क, VLSM, क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, हेलो और डेड इंटरवल ये है, ऑटो समरी बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी, डिसेबल रहेगी, हॉप काउंट अनलिमिटेड क्योंकि हॉप काउंट लगा के भेजेगा नहीं, और मैक्सिमम पाथ बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं, 4 होते हैं, और इसकी मैट्रिक क्या रहेगी, ये कॉस्ट को यूज करता है, और कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा ये. फाइन, और ये IGP प्रोटोकॉल है, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है. क्लियर है ये चीज. ओके, चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में, फिर OSPF के बारे में. अब मैंने आपको बताया कि OSPF में क्या होता है, हर राउटर के पास में एक दूसरे का
पूरी टोपोलॉजी का डेटाबेस होता है, बताया ना मैंने कि राउटर के पास में पूरी टोपोलॉजी का डेटाबेस होता है, कंप्लीट टोपोलॉजी का डेटाबेस रहेगा। तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास में तीन राउटर है, ये आर वन है मेरे पास में, ये मेरा आर टू है, और ये मेरा क्या है आर, ये तीनों राउटर आपस में कनेक्टेड है। तो ये तीनों राउटर अपना डेटाबेस एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। जैसे रिप और ओएसपी, रिप और ईएचआरपी क्या कर रहे थे, अपनी राउटिंग टेबल शेयर करते थे ना, ये भी क्या करेंगे अपना डेटाबेस शेयर करेंगे, ये क्या करेंगे अपना, ये भी अपना डेटाबेस शेयर करेंगे। तो जैसे ही आप यहां पे ओएसपीएफ रन करोगे, कोई भी राउटर पे आप ओएसपीएफ रन करते हो, तो सबसे पहली बात तो ये कि ओएसपीएफ रन करते ही अपनी एक राउटर आईडी कैलकुलेट करेगा, नहीं तो राउटर को पता कैसे चलेगा कि ये डेटाबेस किसका और ये डेटाबेस किसका है। EIGRP में तो क्या हो रहा था, इन्फॉर्मेशन सिर्फ नेबर भेज रहा था, नेबर से इन्फॉर्मेशन आ रही थी, बट इसमें क्या है, सारे राउटर के पास में एक दूसरे का डेटाबेस रहेगा, तो ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे डेटाबेस किसका है। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं जैसे ही मैंने सब पे क्या कर दिया, OSPF इनेबल कर दिया, OSPF इनेबल करते ही क्या होगा, ये डेटाबेस एक्सचेंज करेंगे तो इसके पास में आर वन का डेटाबेस आ जाएगा प्लस आर टू का डेटाबेस आ जाएगा प्लस R3 का डेटाबेस आ जाएगा। इसी तरह से इसके पास में R2 का, इसके पास में डेटाबेस पड़ा ही था, R1 का भी आ जाएगा और R3 का भी आ जाएगा, और इसके पास में किसका आ जाएगा, R1 का, R2 का और R3 का, इसके पास में पड़ा ही है खुद का, इसके पास में भी डेटाबेस आ जाएगा। अब राउटर्स को पता कैसे चलेगा ये डेटाबेस किसका और ये डेटाबेस किसका है, समझ रहे हो, तो इसको तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। तो जैसे ही आप कोई राउटर पे OSPF इनेबल करते हो, इनेबल करते ही सबसे पहले वो अपनी राउटर आईडी कैलकुलेट करेगा, क्या कैलकुलेट करेगा, राउटर आईडी, वो क्या रहेगी, यूनिक रहेगी, ठीक है। और वो कैसे कैलकुलेट करेगा, राउटर आईडी, हर एक राउटर OSPF रन करते ही अपनी राउटर आईडी कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले वो देखेगा लूपबैक एड्रेस, हाईएस्ट लूपबैक एड्रेस, मतलब एक मेरे पास में ये राउटर है, इस राउटर पे मैंने लूपबैक बना रखा है, एक लूपबैक 1 बना रखा है, और उस पर मैंने आईपी एड्रेस यूज किया है 10.0.0.1। एक और लूपबैक बना रखा है मैंने यहां पे, लूपबैक क्या 2, इसको मैंने आईपी एड्रेस दिया हुआ है 20.0.0.1। तो इसकी राउटर आईडी क्या बन जाएगी, इस राउटर की राउटर आईडी क्या बनेगी, बोलो भाई, 20.0.0.1 इस राउटर की राउटर आईडी बन जाएगी, ठीक है। अगर लूपबैक नहीं बने हुए, हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आईपी, हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आईपी एड्रेस, फॉर एग्जांपल ये राउटर था, लूपबैक नहीं है, इसके ऊपर एक फास्ट इंटरनेट 0/0 है, इसके ऊपर आईपी एड्रेस है 10.0.0.1, और ये इंटरफेस है एक सीरियल है, लाइक सीरियल 1/0, यहां पे आईपी एड्रेस है फॉर एग्जांपल 20.0.0.10। तो इसकी राउटर आईडी क्या बनेगी, इस राउटर की 20.0.0.10 उसकी राउटर आईडी बन जाएगी, फाइन। और आप एक और काम कर सकते हो, ये तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा, आप मैनुअल भी इसको राउटर आईडी दे सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो, मैनुअली भी राउटर आईडी दे सकते हो, तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे राउटर आईडी देनी है। लाइक इस राउटर पे जाओगे आप, मैनुअली बोल दोगे इसकी राउटर आईडी क्या है 1.1.1.1 है, इस राउटर पे गया मैं इसको बोल दिया 2.2.2.2 इसकी राउटर आईडी है, R3 पे गया इस पे मैंने बोल दिया 3.3.3.3 इसकी क्या है राउटर आईडी, या फिर मैनुअली बोल सकते हो, अगर मैनुअली नहीं बोला हुआ तो ये क्या कर लेगा, ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, पहले किसको वो कंसिडर करेगा,
सबसे पहले मैनुअली अगर आपने दी हुई है तो फाइन, अगर मैनुअल नहीं दी हुई तो हाईएस्ट लूपबैक इंटरफेस आईपी एड्रेस, अगर हाईएस्ट लूपबैक इंटरफेस नहीं है वहां पे, अगर इंटरफेस है ही नहीं लूपबैक, तो वो हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आईपी, फाइन। तो अब क्या होगा इन तीनों राउटर के पास में, ये मेरे पास में तीन राउटर है आर वन आर टू और आर थ्री, इसकी राउटर आईडी है 1.1.1.1, ये मेरा राउटर 2 है 2.2.2.2, ये मेरा R3 है इसका, लाइक मैंने इनके राउटर आईडी दे दी, OSPF इनेबल हो गया इन पे। अब ये क्या करेंगे, अपना डेटाबेस शेयर करेंगे, तो इसके पास में R1 का डेटाबेस आ जाएगा, है ही इसके पास में, R2 का भी डेटाबेस आ गया प्लस R3 का भी डेटाबेस आ गया, इसके पास में R2 का है, R1 का भी आ जाएगा और R3 का भी आ जाएगा, एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे ना, ये सबका एक दूसरे का डेटाबेस आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो राउटर है ना यहां पे OSPF में क्या होता है, EIGRP में क्या होता था, EIGRP में तीन टाइप की टेबल बनती थी, कौन कौन सी, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल, राउटिंग टेबल, यहां पे बनेगी नेबर टेबल, नेबर टेबल और डेटाबेस टेबल, क्या बनेगी, डेटाबेस टेबल, जिसमें सारे राउटर्स का क्या रहेगा, डेटाबेस रहेगा और राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल, फाइन। तो नेबर बन गया राउटर्स, उसके बाद में क्या होगा, नेबर बनने के बाद में ये अपना डेटाबेस क्या कर लेंगे, एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर लेंगे, डेटाबेस एक्सचेंज हो गया, और उस डेटाबेस पे ये क्या करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल यहां पे एक राउटर पे एक लूपबैक बना हुआ है 10.1.1.1, ये लूपबैक बना हुआ है, तो इसका डेटाबेस किसके पास में आ जाएगा, इसके पास में भी आ जाएगा और इसके पास में भी आ जाएगा। इसने क्या भेज दिया, अपना डेटाबेस इधर भेज दिया, मतलब इसको 10.1.1.1 का राउट इधर से भी रिसीव हो रहा है, ये अपना डेटाबेस इधर भी भेजेगा, तो इसको 10.1.1.1 का डेटाबेस इधर से मिला है, फिर ये इधर से भी इसको देगा, ये भी तो देगा अपना डेटाबेस इसको, ठीक है। तो यहां से कॉस्ट आ रही है कितनी, 100, और यहां से कॉस्ट कितनी आ रही है, 200। तो अब ये डेटाबेस में सब कुछ सेव होगा, तो ये क्या करेगा राउटर, इस डेटाबेस के ऊपर एक एल्गोरिदम रन करेगा, वहां पे ड्यूअल एल्गोरिदम थी, यहां पे एल्गोरिदम रन होती है SPF, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये SPF एल्गोरिदम रन करेगा, SPF एल्गोरिदम रन करेगा, तो इसको शॉर्टेस्ट पाथ किस कहां के लिए मिलेगा, इसको वाया आर वन, तो इसको क्या कर लेगा, राउटिंग टेबल में स्टोर कर देगा, ये क्या करेगा, इसको राउटिंग टेबल में स्टोर कर देगा, और जब भी ये इंटरफेस डाउन, अब ये एक दूसरे को अपडेट सेंड नहीं करेंगे, अब ये लिंक स्टेट है ना, अपडेट एक बार भेज दिया, वो भेज दिया फुल अपडेट, अभी अगर इंटरफेस डाउन चला गया आपका, तो ये क्या भेजेगा अपना डेटाबेस, अब सेंड करेगा, और जिसमें सिर्फ चेंज हुआ है सिर्फ वही सेंड करेगा कि इसमें आपका क्या हुआ है, इस नेटवर्क में चेंज हुआ है, जिस डेटाबेस में चेंज होगा उसी की इंफॉर्मेशन भेजेगा, ना कि फुल डेटाबेस भेजेगा, लिंक स्टेट का यही मतलब था ना। तो ये क्या कर लेंगे, और जैसे ही इसके पास में क्या आएगा, डेटाबेस में कुछ भी चेंज हुआ, ये वापिस से क्या करेगा, SPF दोबारा रन करेगा, ये क्या करेगा, SPF को दोबारा रन करेगा। अब ये अप आ गया, अप आते ही, क्योंकि SPF इसको यहां, इसको डेटाबेस मिला, तो डेटाबेस मिला तो ऑब्वियस ही बात है, या फिर यहां से क्या हो गया, कनेक्टिविटी ब्रेक होगी, कनेक्टिविटी ब्रेक होगी तो क्या होगा, ये इसको पता चल गया ना, ये इंटरफेस डाउन हुआ है, डाउन हुआ है तो ये अपने डेटाबेस में कुछ चेंजेस करेगा, और ये इसको भेजेगा, और यहां से इसको जाएगा, तो सारे डेटाबेस में क्या होगा, कुछ चेंजेस होगा कि नहीं होगा, और अपनी सारे क्या करेंगे, अपनी SPF को रन करेंगे। अब SPF को रन करेंगे, पहले ये वाला जो पाथ था इसको इधर से रिसीव हो रहा था, अब इधर से तो रिसीव हो नहीं रहा, वो तो डिलीट हो जाएगा उसमें से, तो इसको SPF द्वारा रन करेगा, तो इसमें ये वाला राउट मिल जाएगा, इस वाले राउट को क्या कर लेगा, अपनी राउटिंग टेबल में स्टोर कर लेगा। मतलब
एसपीएफ कब रन होगी? जब भी टोपोलॉजी में कोई भी चेंज आएगा सारे राउटर क्या करेंगे, क्योंकि वो अपडेट सारे राउटर के पास में जाएगा, वो अपडेट सभी राउटर के पास में जाएगा, क्योंकि हर राउटर के पास में पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होती है। तो सभी राउटर के पास में वो इंफॉर्मेशन गई तो सारे राउटर क्या करेंगे, सब राउटर के डेटाबेस में चेंज हुआ तो सारे राउटर क्या करेंगे, अपनी एक एसपीएफ एल्गोरिदम रन करेंगे। क्लियर है ये चीज? एसपीएफ क्या है? एक आपकी एल्गोरिदम है ओएसपीएफ जो यूज करता है, जैसे ईएजीआरपी ड्यूल यूज कर रहा था, टोपोलॉजी पे रन कर रहा था वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने के लिए, वैसे ये क्या करेगा, ये अपने डेटाबेस पे क्या करेगा, ओएसपीएफ रन करेगा। उस डेटाबेस में कोई भी प्रीफिक्स के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो कैलकुलेट करके किस में रख देगा, राउटिंग टेबल में रख देगा। और एसपीएफ कब रन होगी? जब भी मेरे डेटाबेस में कोई भी चेंज होगा तो वो क्या करेगा, एसपीएफ रन करेगा। और डेटाबेस में कब चेंज होगा? जब कोई भी राउटर का कोई भी इंटरफेस डाउन या अप जाएगा तो सारे राउटर को वो क्या होगा, डेटाबेस वो क्या करेंगे, सेंड करेंगे। हर एक राउटर के पास में डेटाबेस क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो सारे राउटर क्या करेंगे, अपने एसपीएफ रन कर देंगे। जब भी पोर्ट अप आया, जब भी कोई इंटरफेस डाउन जाएगा और अप जाएगा, ऑब्वियस ही बात है वहां पे नेटवर्क अप डाउन हो रहा है ना आपके। क्लियर है ये चीज? इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। अब मेरा क्या है, ये एक ओएसपीएफ डोमेन है और इस ओएसपीएफ डोमेन में मेरे पास में 500 राउटर्स लगे हुए हैं। अब 500 राउटर्स में कोई ना कोई एक नेटवर्क डाउन या अप गया कोई भी राउटर पे, तो सारे राउटर पे क्या होगा, वो अपडेट सेंड होगा। ठीक है, तो सारे राउटर्स को क्या करना पड़ेगा, एसपीएफ रन करना पड़ेगा। अब मेरे पास में 5000 राउटर लगे हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, अब ऑब्वियस ही बात है जितना ज्यादा बड़ा नेटवर्क होगा उतने ज्यादा क्या होंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटरफेस डाउन या अप जाएगा, कोई नेटवर्क प्रीफिक्स डाउन या अप जाएगा आपका, तो क्या होगा, सब में चेंज होगा डेटाबेस, तो एसपीएफ रन होगी। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हाई हो जाएगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि बार बार वो क्या करेगा, एसपीएफ रन करेगा बेस्ट पाथ सिलेक्ट करने के लिए। ये तो प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, है ना? तो क्या होगा अब इसमें, ओएसपीएफ में क्या होता है, ओएसपीएफ के अंदर ओएसपीएफ को एरियाज में डिवाइड कर दिया हुआ है। ओएसपीएफ में वो क्या कर दिया हुआ है, एरिया में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल पहले क्या था मेरा, एक डोमेन में, ओएसपीएफ डोमेन में फॉर एग्जांपल 100 राउटर थे। अब क्या होगा, एसपीएफ भी बार बार यहां पे रन होगी जितने ज्यादा राउटर होंगे, क्योंकि इंटरफेस डाउन ही अप जाएगा तो सारे डेटाबेस एक्सचेंज करेंगे, और सबके पास में क्या होगा, सबका डेटाबेस होगा तो उसकी मेमोरी भी ज्यादा यूज करेगा वो, जितने ज्यादा राउटर होंगे उतना ही बड़ा क्या होगा, डेटाबेस होगा हर एक राउटर का, क्योंकि हर एक राउटर के पास में सबकी इंफॉर्मेशन होगी, पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होगी, तो डेटाबेस भी बहुत बड़ा होगा, तो मेमोरी यूटिलाइजेशन भी ज्यादा होगी, मेमोरी भी ज्यादा कंज्यूम करेगा वो, और जहां पे भी कोई भी इंटरफेस डाउन या अप आया तो फिर क्या होगा, एसपीएफ रन करेगा वो। फाइन, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन ओएसपीएफ में क्या है, जो ओएसपीएफ है उसको एक एरिया में डिवाइड कर दिया। लाइक हमने यहाँ पे एरिया बना लिया, एक मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक दो तीन चार, इसको पांच एरिया में मैंने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। मेरे पास में 20 राउटर्स मेरे पास में यहाँ पे इस एरिया में, एरियाज में डिवाइड कर लेंगे हम लोग इसको। 20 राउटर्स मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिए, 20 राउटर्स यहाँ पे है, 20 राउटर्स यहाँ पे है, और 20 राउटर्स यहाँ पे है। इसमें जो राउटर्स हैं इनके डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन होगी वो सिर्फ सेम एरिया की ही क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी। एक एरिया में जो आपके राउटर्स हैं उनको सिर्फ उसी एरिया के राउटर्स की क्या होगी, डेटाबेस होगा उनका। मतलब यहां पे मेरे पास में 20 राउटर है ना, तो हर एक राउटर के पास में डेटाबेस में इंफॉर्मेशन उन्हीं 20 राउटर की होगी,
ठीक है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी। इससे क्या होगा, मेमोरी ज्यादा यूटिलाइज नहीं होगी, है ना, क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन तो, इनका डेटाबेस तो इसके पास में नहीं आएगा ना, एक दूसरे के पास में डिफरेंट एरिया का, ठीक है। तो और यहां पे कोई भी चेंज आएगा इस एरिया में तो एसपीएफ कहां पे रन होगी, सिर्फ इसी एरिया में, यहां पे एसपीएफ रन नहीं करेगा वो, एसपीएफ कहां पे रन होगी, सिर्फ उसी एरिया में ही रन होगी। अब जो हमारे पास में एरियाज जो होते हैं ना, एरियाज दो टाइप के एरियाज होते हैं, एक होता है हमारे पास में बैकबोन एरिया और एक होता है हमारे पास में रेगुलर एरिया। बैकबोन एरिया कौन सा होता है, एरिया जीरो हमेशा आपका क्या रहेगा, बैकबोन एरिया रहेगा। लाइक ये मैंने एरिया बनाया एक, उसको नंबर दे दिया एरिया जीरो, तो ये मेरा एरिया कौन सा रहेगा, बैकबोन एरिया रहेगा। लाइक यहां पे तीन राउटर मेरे क्या है, कनेक्टेड है, ये मेरा क्या हो गया, बैकबोन एरिया होगा। और कोई भी एरिया है आपके, वो सारे के सारे आपके रेगुलर एरिया रहेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल यहां पे एक और एरिया है, एरिया वन है ये, यहां पे भी तीन राउटर है, ये कौन सा एरिया रहेगा, ये आपका रेगुलर एरिया रहेगा। यहां पे एक और एरिया है, एरिया टू, एरिया टू, ये भी कौन सा एरिया रहेगा, रेगुलर एरिया रहेगा। बैकबोन एरिया कौन सा होगा, हमेशा एरिया जीरो क्या रहेगा, हमेशा बैकबोन एरिया रहेगा। और जितने भी मेरे रेगुलर एरिया हैं वो मेरे बैकबोन एरिया से क्या होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे कनेक्टेड होने चाहिए। तो अब अगर मेरे पास में यहां पे एक और एरिया है, जो मेरा एरिया क्या है, थ्री है, यहां पे भी कुछ राउटर होंगे, तो फिर इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ये आपका एरिया जीरो से कनेक्टेड नहीं है। तो इसके लिए हमने इसको क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली कनेक्ट करना पड़ेगा, वो आपका सीसीएनपी में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग यहां पे बात करेंगे सिर्फ जो मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड एरिया है। इनडायरेक्टली कनेक्टिविटी बनानी है तो वर्चुअल लिंक वगैरह यूज होंगे, बता दूंगा एक कमांड यूज होगी बस। तो एक हमारा बैकबोन एरिया रहेगा और बाकी जितने भी एरिया है वो हमारे क्या रहेंगे, रेगुलर एरिया। और जो मेरे रेगुलर एरिया वो बैकबोन एरिया से क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। और आप बैकबोन एरिया को आप ट्रांजिट एरिया भी बोल सकते हो, बैकबोन एरिया को ट्रांजिट एरिया भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर यहां पे कोई राउटर है, अगर इसने यहां पे कोई राउटर है, इसके नेटवर्क के साथ में क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, तो वो बैकबोन एरिया से होके क्या जाएगा, कम्युनिकेट करेगा। इसको हम आप कम्युनिकेट नहीं बोल सकते, जो अपडेट जो सेंड करेगा, जो अपना डेटाबेस जो सेंड करेगा, डेटाबेस जो शेयर करेगा, तो किसके थ्रू शेयर करेगा, बैकबोन एरिया के थ्रू ही क्या करेगा, शेयर करेगा। इसको आप ट्रांजिट एरिया भी बोल सकते हो। और जो रेगुलर एरिया वो आपका बैकबोन एरिया से क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये दो टाइप के एरिया होते हैं, क्लियर है ये चीज, इसमें कोई डाउट हो। टाइप्स ऑफ राउटर इन ओएसपीएफ, एक इसमें रहता है बैकबोन राउटर, ये जो मेरे बैकबोन एरिया में जो राउटर है इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बैकबोन राउटर बोलते हैं, ठीक है। एक होता है इसमें एरिया राउटर, मेरे रेगुलर एरिया में जो राउटर्स हैं वो कौन से राउटर होंगे, वो एरिया राउटर। एक होता है इसमें एबीआर राउटर,
अब देखो एबीआर राउटर कौन सा होगा, अब ये मेरे एरिया जीरो और एरिया टू को कोई ना कोई तो कनेक्ट करेगा ना, तो यहाँ पे हमें बीच में एक राउटर यूज करना पड़ेगा, और इस राउटर में एक इंटरफेस तो होगा किस में, एरिया टू में, और एक इंटरफेस किस में होगा, एरिया जीरो में। ये जो हमारा राउटर होगा इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एबीआर स्टैंड फॉर एरिया बॉर्डर राउटर। तो ये एरिया को भी इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, एरिया जीरो से, तो यहां पे भी बीच में कोई ना कोई राउटर तो होगा। तो इसका जो ये इंटरफेस है, एक इंटरफेस तो आपका एरिया में जीरो में होना चाहिए और एक इंटरफेस आपका एरिया वन में होना चाहिए। तो एबीआर राउटर कौन सा होता है, एबीआर राउटर वो राउटर होता है जिसका मिनिमम एक इंटरफेस जो है वो एरिया जीरो में होना चाहिए, मिनिमम एक इंटरफेस आपका एरिया जीरो में होना चाहिए और एक इंटरफेस अदर रेगुलर एरिया में होगा, वो कौन सा राउटर होगा आपका, वो एबीआर राउटर होगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब यहां पे मेरे पास में एक और डोमेन है, ईआईजीआरपी का डोमेन है राइट, यहां पे मेरे पास में कुछ राउटर्स लगे हुए हैं जिनपे क्या रन हो रहा है, ईआईजीआरपी रन हो रहा है, मैंने इनको भी क्या करना है अपने ओएसपीएफ से कनेक्ट करना है, तो यहां पे भी मुझे कोई राउटर चाहिए होगा। इसका एक इंटरफेस तो किस में होगा, ईआईजीआरपी में होगा, और एक इंटरफेस किस में होगा मेरा, ओएसपीएफ के एरिया वन में होगा। तो ये जो राउटर होगा इसको हम लोग बोलते हैं एएसबीआर राउटर, इसको क्या बोलते हैं, एएसबीआर राउटर, एएसबीआर स्टैंड फॉर ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। कोई जरूरी नहीं है यहां पे ईआईजीआरपी डोमेन ही हो, यहां पे क्या हो सकता है लाइक रिप डोमेन भी हो सकता है आपका, मतलब जो राउटर मुझे एक डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल डोमेन से कनेक्ट करवाएगा वो जो राउटर होगा वो कौन सा होगा, वो एएसबीआर राउटर कहलाएगा आपका। ठीक है, और जो राउटर दो डिफरेंट एरिया को कनेक्ट करेगा वो राउटर आपका एबीआर राउटर होगा। एएसबीआर भी हमारा बैकबोन से कनेक्ट होगा, ऐसा हुई एक दो एरिया मतलब कोई भी दो एरिया, कोई जरूरी नहीं है एएसबीआर से भी, इससे भी कनेक्ट हो सकता है। ये यहाँ पे मेरा क्या ईआईजीआरपी है, तो ये राउटर क्या बन जाएगा, एएसबीआर बन जाएगा। मतलब जिस राउटर पे आप रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करवाओगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी ना आपको, कल ईआईजीआरपी में बताया था ना लाइक रिप था, रिप के राउट्स आपको किस में लेने थे, ईआईजीआरपी में लेने थे, तो जो बीच में एक राउटर था जो आपका रिप से भी कनेक्ट था और ईआईजीआरपी से भी कनेक्ट था, तो वहां पे हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर रहे थे ना, तो यहाँ पे भी क्या करनी पड़ेगी आपको, रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, तो वो राउटर कौन सा होगा आपका, ईएसबीआर राउटर होगा। ठीक है, फाइन, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो टाइप्स ऑफ राउटर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ राउटर कौन कौन से होते हैं और एरियाज कौन कौन से होते हैं, रिपीट करने की जरूरत है इसमें। चलो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी सेम प्रोसेस चलेगी, नेबर डिस्कवरी, डेटाबेस एक्सचेंज, और ये क्या करेगा, बेस्ट राउट चूज करेगा। तो लाइक मेरे पास में एक ये राउटर है और एक ये राउटर है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, मैंने यहां पे भी ओएसपीएफ रन कर दिया इस राउटर के इस इंटरफेस पे, यहां पे नेटवर्क यूज हो रहा है 10.0.0.1 और यहां पे मैंने यूज कर लिया 10.0.0.2 IP, और मैंने यहां पे भी क्या कर दिया ओएसपीएफ रन कर दिया। तो सबसे पहले क्या होगा, नेबर डिस्कवर करेगा, वो नेबर डिस्कवर करने के लिए क्या सेंड करेगा, हेलो मैसेज, और ये भी क्या करेगा, इसको
हेलो मैसेज सेंड करेगा, दोनों एक दूसरे को हेलो मैसेज सेंड करेंगे, तो हेलो मैसेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, हेलो मैसेज में जो कंटेंट्स होंगे, एक तो होगी इसमें राउटर आईडी, राउटर आईडी क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैच नहीं होनी चाहिए राउटर आईडी, क्योंकि ये भी अपनी राउटर, जैसे ओएसपीएफ रन करोगे तो ये अपनी राउटर आईडी कैलकुलेट कर लेगा और ये भी अपनी राउटर आईडी कैलकुलेट कर लेगा, या फिर आप मैनुअली दे सकते हो, लाइक इसकी राउटर आईडी है 1.1.1.1, इसकी राउटर आईडी है 2.2.2.2, तो जो हेलो मैसेज सेंड होंगे उसमें राउटर की राउटर आईडी भी जाएगी, वो मैच नहीं करनी चाहिए, अगर वो मैच होगी तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, वो नेबर नहीं बनेंगे, ठीक है, तो राउटर आईडी मैच नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या कंटेंट होगा, उसमें एरिया आईडी रहेगी, दोनों राउटर सेम एरिया में होने चाहिए, मतलब दोनों इंटरफेसेस क्या होने चाहिए, सेम एरिया में, अगर ये मेरा एरिया 0 में है तो ये इंटरफेस भी किस में होना चाहिए, एरिया 0 में होने चाहिए, तभी क्या बनेंगे, वो नेबर बनेंगे, अदरवाइज नेबर नहीं बनेंगे, लाइक यहां पे एरिया 0 में डाल रखा है मैंने, ये एरिया 1 में डाल रखा है, तो नेबर नहीं बन सकते, वो दोनों के एरिया क्या होने चाहिए, मैच करने चाहिए दोनों इंटरफेसेस के, तभी वो आपस में नेबर बनेंगे, तो एरिया आईडी रहेगी, उसके बाद में नेटवर्क आईडी मैच करनी चाहिए दोनों इंटरफेसेस की, और उसके बाद में हेलो एंड डेड इंटरवेल भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और एमटीयू साइज भी, एमटीयू साइज क्या होना चाहिए दोनों का, सेम होना चाहिए, तो ये जब भी अपना हेलो मैसेज सेंड करेगा तो इसमें ये इंफॉर्मेशन भेजेगा, इसके पास में जैसी इंफॉर्मेशन आएगी तो ये अपना क्या करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, पहले राउटर आईडी आई, ये राउटर आईडी अपने साथ में मैच करेगा, सेम है नहीं है, फाइन, एरिया आईडी चेक करेगा सेम है, हाँ सेम है, नेटवर्क आईडी सेम है, हेलो होल्ड एमटीयू सेम है, ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे, नेबर बन जाएंगे, नेबर बन गए, नेबर बनने के बाद में ये दोनों अपने क्या करेंगे, डेटाबेस एक्सचेंज करेंगे, डेटाबेस एक्सचेंज कर लिया, डेटाबेस एक्सचेंज होने के बाद में लाइक इसके पास में R1 का तो आई प्लस R2 का भी आ गया, और उस डेटाबेस पे वो क्या रन करेगा, SPF रन करेगा, और SPF एल्गोरिदम रन करने के बाद में जो बेस्ट राउट आएगा उसको सिलेक्ट करके किस में रख देगा, राउटिंग टेबल में स्टोर कर देगा, ठीक है, क्लियर है, प्रैक्टिकली देख लेते हैं इसको, मैं GNS पे इंप्लीमेंट कर रहा हूं इसको, अभी मैं सिर्फ सेम एरिया ले रहा हूं, मैं दो राउटर ले रहा हूं, सिर्फ दो राउटर के बीच में मैं नेबरशिप अप करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे नेबरशिप आप अप लेके आ सकते हो, EIGRP कैसे इनेबल करना है, बस वो बताऊंगा आपको मैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है, एक काम करते हैं, मैं R1 पे जा रहा हूं, अभी आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, अगर किसी के माइंड में थोड़ा बहुत डाउट है तो
ठीक है। फाइन, तो मैं R1 पे जा रहा हूं। R1 पे कैसे OSPF आप इनेबल करोगे वो देख लो। पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर, OSPF, AIRP में हम लोग ऑटोनोमस सिस्टम नंबर दे रहे थे, यहाँ पे क्या आएगी, प्रोसेस आईडी आएगी। मैं कोई भी प्रोसेस आईडी यूज कर लो, मैं इसमें क्या यूज कर रहा हूँ, 100। राउटर OSPF पे आ गया आप, सॉरी पहले तो आईपी दे दे इनको, आईपी तो दे दे इनको हम लोग। इस आर वन पे मैं यहाँ पे जो आईपी यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे आईपी यूज कर रहा हूँ 12.1.1.0/24 पे यूज कर लेता हूँ हम लोग। पहले पे 1 यूज कर लेंगे, दूसरे वाले पे 2 यूज कर लेंगे, और मैं यहाँ पे एक लूप बैक बना लेता हूँ 1.1.1.1। तो ये इसकी राउटर आईडी भी यही सेलेक्ट कर लेगा, सबसे पहले वो लूप बैक को कंसिडर करेगा, फिर उसके बाद में हाई फिजिकल इंटरफेस को ना, इसको मैं लूप बैक बना लूंगा 2.2.2.2। ठीक है फाइन। तो चलो आर वन पे दिखाई दे रहा है पीछे सबको इंटरफेस, फास्ट इथरनेट 0/0। पहले मैं राउटर OSPF जो 100 जो मैंने प्रोसेस चलाई थी मैं उसको नो कर रहा हूं एक बार। ठीक है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेसेस 12.1.1.1.255.255.255.0 और नो, शटडाउन, एग्जिट, इंटरफेस लूप बैक बना ले, इस पे लूप बैक 1 बना लेते हैं, आईपी एड्रेस दे देते हैं इसको 1.1.1.1.255.255.255.0 देता हूं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आईपी एड्रेस कॉन्फिगर होगी इस पे, क्लियर है। अब आ जाते हैं आर टू पे, कॉन्फिगर टर्मिनल, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस इज 12.1.1.255.255.255.0, नो, शटडाउन, पोर्टअप हो जाएगा, हो गया पोर्टअप, एग्जिट कर दो, इंटरफेस लूप बैक क्या बना लो 1, आईपी एड्रेस क्या दे दो इसको 2.2.2.255.255.255.0, यह भी पोर्टअप हो जाएगा, चेक कर लें, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, पोर्टअप हो गया। अभी मैं जो बना रहा हूं सिर्फ एरिया, एक एरिया बना रहा हूं मैं, ये मेरा एरिया क्या है, 0 है। मैंने दोनों राउटर को मैं एरिया 0 में लेके आ रहा हूं, मल्टी एरिया भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, नेटवर्क आईडी कौन सी, राउटर आईडी, तो अभी तो OSPF रन ही नहीं किया हमने, अभी OSPF रन तो करने दो, OSPF रन करोगे तब लेगा ना, तो दिखाऊंगा वो मैं। चलो R1 पे, तो R1 पे गए हम लोग, तो इस पे चलो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर, OSPF, 100 रन किया मैंने, OSPF रन हो गया, और मैंने OSPF कौन से इंटरफेस पे इनेबल करना है, एक इस इंटरफेस पे इनेबल कर रहा हूँ मैं, पहले फास्ट इथरनेट 0/0 पे, तो नेटवर्क 12.1.1.0 स्पेस वाइल्ड कार्ड मास्क, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, यही होगा, स्पेस क्वेश्चन मार्क एरिया, क्वेश्चन मार्क एरिया क्या दे सकते हो, ये 0 से लेके और टोटल 32 बिट्स में आप एरिया नंबर दे सकते हो, तो मैं इसको क्या दे रहा हूँ 0, एंटर, एग्जिट, एग्जिट। अब आ जाते हैं हम लोग आर टू पे, कॉन्फिगर टर्मिनल, राउटर, OSPF 100, नेटवर्क वर्ड
12.1.1.0.0.0.0.255 एरिया व्हाट एरिया जीरो एंटर अभी देखना थोड़ी देर में नेबरशिप आप आ जाएगी इसकी अभी ये नेबरशिप आप दिखा देगा ये तो एक्सटर्ट में स्टक हो गया नेबरशिप आ गई अब शो आईपी ओएसपीएफ नेबर इसका एक मैं आर1 पे हूं ये नेबर बना है और नेबर की आईडी क्या है 2.2.2.2 इस पे मैंने फिजिकल इंटरफेस भी है और इस पे एक लूपबैक भी है उसने कौन सा सेलेक्ट कर लिया लूपबैक ये देख लो मैं आर2 पे जाता हूं शो आईपी ओएसपीएफ नेबर्स एक इसका नेबर बना हुआ है उसका एड्रेस ये है जिससे नेबर बना हुआ है इंटरफेस ये है और स्टेट क्या है फुल डीआर क्या है बीडीआर क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी क्या है अभी ये चीजें छोड़ दो ठीक है नेबर बन गए दोनों बन गए कि नहीं बन गए एक काम करते हैं आर1 पे गया शो आईपी ओएसपीएफ शो आईपी प्रोटोकॉल कमांडर में करता हूं ठीक है इसने राउटर आईडी ये सिलेक्ट कर ली हम लोग लूपबैक पे भी तो 111 बना सकते थे किस पे राउटर 2 पे हां पर जो दोनों पे राउटर पे मैंने लूपबैक हां तो नेबर बन जाते फिर हैं नेबर बन जाते फिर वो नहीं बनते ना हां सेम रहते ना हां प्रॉब्लम आई थी ना फिर नेबर नहीं बनते वो ओके मैक्सिमम पाथ दिखा रहे हैं यहां पे और आपने ये क्या किया हुआ है इंटरफेस एडवर्टाइज किया हुआ है वो प्रोसेस आईडी दी थी ये देखो यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल इज ओएसपीएफ और उसकी प्रोसेस आईडी क्या है 100 है प्रोसेस आईडी अगर सेम नहीं भी होगी ना तो भी ये चीज क्लियर है हाँ भाई क्या हुआ क्या बोल रहा था और यहाँ पे एरिया नंबर चेंज लो यार राउटर ओएसपीएफ 100 मैंने कमांड क्या चलाई थी यहाँ पे नो कर दो इसको ये बोल रहे हैं कि दोनों एरिया मैंने वन में बना दिए तो बता तो रहा हूँ सेम एरिया में वो कम्युनिकेट करेंगे नेबरशिप ब्रेक होगी इसको मैंने किस में डाल दिया वन में नो बन जाएंगे अब ये नेबर एक बार नेबरशिप डाउन हो गई थी मैंने दोनों को किस में डाल दिया टाइम लेगा आप आने में ये R2 है नेबर बन गया है लेकिन डेटाबेस एक्सचेंज ये देखो फुल में आ गया ये नेबर भी बन गया मैसेज भी आ गया ना सेम एरिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना एक ही एरिया है मेरा अभी क्या बताया था मैंने आपको अगर आपके पास में क्या है एक ही एरिया है एरिया वन में है सारे राउटर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है एक ही एरिया है उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको डिफरेंट एरिया के साथ में थोड़ा ना कम्युनिकेट करना है डिफरेंट एरिया के साथ में कम्युनिकेट करना होगा तब आपको क्या चाहिए बैकबोन एरिया चाहिए
अभी क्या बताया था, दो राउटर है मेरे पास में जो हेलो शेयर करेंगे, उसमें क्या जाएगी एरिया आईडी जाएगी, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए बस इन दोनों की आपस में, ठीक है, वो नेबर बन जाएंगे, बन गए नेबर। तो अब एक काम करता हूं मैं, इनको मैं OSPF में एडवर्टाइज भी कर लेता हूं। अभी मैं अगर यहां से पिंग करता हूं R1 से, मैं पिंग करता हूं लूप बैक को 2.2.2.2, रिप्लाई देखते हैं आती है कि नहीं आती, आएगी रिप्लाई नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि शो आईपी मैं राउट देखता हूं, इस राउटर के पास में 2.2.2.2 की इंफॉर्मेशन है, उस राउट की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको OSPF में एडवर्टाइज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो चलो फिर कैसे, अगर आपने कोई इंटरफेस को OSPF में एडवर्टाइज करना है, राउटर OSPF 100 नेटवर्क 1.1.1. मैं 0 यूज कर रहा हूं, 0.0.0.255 पे मैं यूज कर रहा हूं, और एरिया किस में है वो इस बार तो मैंने 1 में किया, तो इसको भी 1 में करना पड़ेगा ना। सॉरी 2.2. R2 पे हो ना, R2 पे क्या है इंटरफेस आपका, ठीक है, एडवर्टाइज कर दिया। अब ये R1 पे आ जाना चाहिए, आ गया कि नहीं आ गया, अब ये पिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या कमांड पहले कैसे किया था, सेम ही है, OSPF इनेबल ही करना है। अब R2 पे चलो, R2 पे 1 वाला नेटवर्क आ रहा होगा, शो आईपी राउट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसको आपने अभी OSPF में एडवर्टाइज नहीं किया, तो इसको OSPF में एडवर्टाइज करना पड़ेगा ना। तो चलो R1 पे कॉन्फिगर टर्मिनल राउटर OSPF 100 नेटवर्क इज 1.1.1.0.0.0.255 एरिया इज व्हाट 1 एरिया, मैंने 1 बना दिए थे दोनों राउटर्स के 20 वाले में। तो अब चेक कर लो R2 पे चलो, इसकी राउटिंग टेबल में अब आ गया होगा ये राउट, आ गया। अब ये भी उसको क्या कर लेगा, पिंग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ में विदाउट बैकबोन एरिया, ठीक है, सिंगल एरिया में कम्युनिकेशन के लिए कोई बैकबोन एरिया की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। क्या काम पे ओडिया कनेक्टेड है ना, ओ का क्या मतलब है, ओ स्मॉल है या कैपिटल है, ये मतलब राउट किससे आ रहा है, OSPF राउट, ठीक है, क्लियर है। इसमें किसी को कोई डाउट हो डिस्कस कर लें।